आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 118, 119, 120 और 121 के संबंध में। तो साथियों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समर्पण क्या होता है। समर्पण का मतलब होता है किसी वस्तु से अपने हित अधिकार और हक को त्याग देना। परंतु यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भूमि विधि के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भूमि पर से अपने हित अधिकार और हक को त्याग देना। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 118 है उसमें भूमिधर द्वारा समर्पण के संबंध में कहा गया है, और धारा 119 में असामी द्वारा समर्पण के संबंध में कहा गया है, धारा 120 में समर्पण के क्या प्रभाव हैं, और धारा 121 में समर्पण की स्थिति में लगान भू राजस्व का दायित्व के संबंध में है, और इनके नियमों को भी जानेंगे। तो नियम 110 में है जोत के समर्पण के लिए आवेदन के संबंध में, नियम 111 में खातेदार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाना, नियम 112 में है समर्पण की प्रक्रिया, और नियम 113 में है असामी द्वारा समर्पण के संबंध में। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे इसको समझते हैं। समर्पण सरेंडर नहीं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 118, 119, 120 और 121 व नियम भूमि विधि के अंतर्गत। अब देखते हैं धारा 118 भूमिधर द्वारा समर्पण, यानी कि धारा 118 है उसमें भूमिधर द्वारा समर्पण के संबंध में बताया गया है। तो जो धारा 118 है उसकी उपधारा एक में क्या बताया गया है, भूमिधर किसी ज्योत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी ज्योत पट्टे पर दी गई हो या नहीं। कहने का मतलब है यदि कोई भूमिधर अपनी भूमि का समर्पण करना चाहता है तो अपने समर्पण की आशय का आवेदन तहसीलदार को देगा, और इसमें बताया गया चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं। यदि कोई भूमिधर अपनी जोत को पट्टे पर दे दिया गया है तो उसे कोई मतलब नहीं है, यह बताया गया है। उसके बाद देखते हैं उपधारा दो, 118 की उपधारा दो है, उसमें कहा गया है जहां किसी जोत का केवल हिस्सा यानी अंश समर्पित किया गया है वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा दे भू राजस्व को प्रभाजित करेगा। जो 118 की उपधारा दो है उसमें यही कहा गया है कि किसी जोत का केवल हिस्सा, किसी भूमि का केवल हिस्सा यदि समर्पित किया जाता है तो वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा दे भू राजस्व को प्रभाजित करेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि के कुछ हिस्से का समर्पण करता है तो वहां तहसीलदार द्वारा जो भूमिधर राजस्व जमा करता है उसको भी प्रभाजित करेगा। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति अपनी आधी भूमि का समर्पित करता है, समर्पण करता है, तो उसमें से जो राजस्व है वो भी आधा रह जाएगा, क्योंकि आधी भूमि का समर्पण कर दिया तो उसका राजस्व खत्म हो जाएगा, जो आधी भूमि बची है उसका राजस्व बना रहेगा। अब देखते हैं नियम, नियम 110 क्या कहता है, जोत का समर्पण के लिए आवेदन। जो व्यक्ति अपनी जोत का समर्पण करेगा उसको एक आवेदन देना होगा। तो जो नियम 110 है उसका उपनियम एक क्या कहता है, आवेदक का नाम व पिता पति एवं पता। उपनियम एक में आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम या पति है तो पति का नाम और उसका पता लिखा जाएगा। फिर देखते हैं उपनियम दो में आवेदक किस श्रेणी में आता है,
इस नियम नंबर जो नियम 110 है उसके नियम उपनियम दो में आवेदक की श्रेणी में आता है, संक्रमणीय भूमिधर है या असंक्रमणीय भूमिधर है यह लिखना होगा। फिर उपनियम तीन में लिखना होगा समर्पित ज्योत का विवरण, जो ज्योत जो भूमि समर्पित की जा रही है उसका विवरण लिखना होगा कि उसकी गाटा संख्या क्या है, उसका रकबा क्या है, यह लिखना होगा। उसके बाद उपनियम चार में है देय भू राजस्व, जो भूमि समर्पित की जा रही है उसका भू राजस्व क्या है यह देना होगा। और उसके बाद उपनियम पांच में ज्योत या ज्योत का अंश, यदि किसी ज्योत या भूमि का अंश समर्पित किया जा रहा है तो लिखना होगा उपनियम पांच में। उसके बाद देखते हैं 110 नियम के उपनियम छह में एकल व सहखातेदार सभी का नाम व पता, यदि एकल है तो एक व्यक्ति का नाम, और यदि सहखातेदार द्वारा समर्पित की जा रही है तो सभी के नाम व पता लिखे जाएंगे। उपनियम सात में देखते हैं ज्योत का भार मुक्त, जो उपनियम सात है उसमें लिखा जाएगा जो भूमि है उसका ज्योत का जो भार मुक्त है वो लगाना होगा। उसके बाद देखते हैं उपनियम आठ में किरायेदारी या पट्टे का विवरण, यदि ज्योत किराए पर दी गई या पट्टे पर दी गई है तो उसका विवरण लिखना होगा। उसके बाद उपनियम नौ में समर्पण का कारण, जो उपनियम नौ है उसमें लिखा जाएगा समर्पण का कारण, यानी भूमि या ज्योत किस कारण से समर्पित की जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं नियम 111 में क्या है, खातेदार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाना, यदि खातेदार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जा रहा है सभी खातेदार समर्पण कर रहे हैं तो हम देखते हैं उपनियम एक में, नियम 111 के उपनियम एक में सभी खातेदारों के हस्ताक्षर, आवेदन पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और उपनियम दो कहता है हस्ताक्षर ना होने की दशा में आवेदन अस्वीकार, कहने का मतलब है कि यदि सह खातेदारों द्वारा समर्पण किया जा रहा है यदि आवेदन पे सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नियम 112 में समर्पण की प्रक्रिया, नियम 112 में बताया गया है कि समर्पण यानी सरेंडर की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें बताया गया है यानी कि नियम 112 के उपनियम एक में कहा गया है आवेदक की प्रस्तुति, इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि का समर्पण करना चाहेगा तो वो लिखित आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा, वो हाथों हाथ दे सकता है या बाई डाक से भी दे सकता है। उसके बाद देखते हैं उपनियम दो में तहसीलदार द्वारा भू प्रबंधक समिति को नोटिस, यानी जब आवेदक आवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा समर्पण का तो तहसीलदार द्वारा भू प्रबंधक समिति को नोटिस भेजी जाएगी। और फिर क्या होगा, अध्यक्ष भू प्रबंधक समिति द्वारा आवेदन आवेदक के कब्जा और आख्या, यानी कि जो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है वो आवेदक से कब्जा प्राप्त करेगा और उसकी आख्या तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद देखते हैं उपनियम चार यानी नियम 112 का उपनियम चार क्या कहता है, आदेश पारित होने के पूर्व पट्टेदार को सुना जाना, जो पट्टेदार है उसको आदेश पारित करने के पूर्व सुना जाएगा। उसके बाद उपनियम पांच है अंश के समर्पण में भू राजस्व को तय किया जाना, जो अंश का समर्पण है उसको उसमें भू राजस्व को तय किया जाएगा कि कौन कितना भू राजस्व जमा करेगा। उसके बाद हम देखते हैं धारा 119 आसामी द्वारा समर्पण, या हमने पहले जाना कि भूमिधर द्वारा समर्पण धारा 118 में और उसके नियम को जाना। उसके बाद धारा 119 है आसामी द्वारा समर्पण, आसामी किसी ज्योत में किंतु उसके किसी अंश मात्र में नहीं अपने हित का समर्पण
भूमि धारक को करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब आसामी अपनी भूमि का समर्पण करेगा, अपनी जोत का समर्पण करेगा, तो वो किसी अंश का नहीं करेगा, वो अपनी संपूर्ण भूमिका करेगा और अपने हित का समर्पण भूमि धारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है। तो इसके नियम 113 जो आसामी द्वारा समर्पण है, उसके नियम 113 में आसामी द्वारा समर्पण के संबंध में है। उपनियम एक कहता है, अपनी ज्योत के समर्पण के लिए इच्छुक आसामी ऐसे समर्पण के आशय की नोटिस भूधारक ग्राम पंचायत या खातेदार। कहने का मतलब है जो समर्पण किया जाएगा आसामी द्वारा, वो या तो ग्राम पंचायत, यदि ग्राम पंचायत से भूमि प्राप्त है तो ग्राम पंचायत को नोटिस भेजेगा, और यदि खातेदार द्वारा भूमि प्राप्त है, ज्योत प्राप्त है, तो खातेदार को नोटिस भेजेगा और भूधारक को ऐसी ज्योत का कब्जा सौंप देगा, और जो भूधारक है उसको अपना कब्जा सौंप देगा। उसके बाद देखते हैं उपनियम 2 में, आसामी को ऐसे ज्योत के किसी अंश का समर्पण का अधिकार नहीं होगा। जो आसामी है उसको अपनी ज्योत के किसी अंश का समर्पण का अधिकार नहीं होगा, यानी कि पूरी पूरी ज्योत का समर्पण आसामी द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नियम 113 के उपनियम 3 में, आसामी द्वारा ज्योत के समर्पण का नोटिस व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा और इसमें समर्पण की जाने वाली ज्योत के संबंध में विवरण होगा। यानी कहने का मतलब है जो आसामी है जो नोटिस देगा वो व्यक्तिगत रूप से देगा या पंजीकृत डाक से भेज सकेगा, इसमें समर्पण की ज्योत की जाने वाली संबंधित विवरण होगा, यानी कि जो समर्पण की जाने वाली ज्योत है उसके संबंध में संपूर्ण विवरण लिखना होगा। अब हम देखते हैं धारा 120। धारा 120 समर्पण का प्रभाव, यानी कि जो भूमि समर्पित कर दी जाएगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उपधारा 1 कहती है, किसी भूमिधर या आसामी के संबंध में यह समझा जाएगा उसने अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118, 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो। उसके बाद देखते हैं धारा 120 की उपधारा 2, जहां कोई भूमि खंडका में है आसामी द्वारा समर्पित कर दी जाए वहां उसके हित व अधिकार हक समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है जहां कोई आसामी भूमिधर अपनी भूमि का समर्पण कर देता है वहां उसके हक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं खंड खा में है किसी भूमिधर द्वारा समर्पित की जाए, जहां पे कोई भूमिधर अपनी भूमि का समर्पण करता है वहां उसके हित हक और अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और इसके संबंध में यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति कोई दावा प्रस्तुत करता है तो उसके भी हक अधिकार समाप्त समझे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं साथियों धारा 121 जो है वो समर्पण की स्थिति में लागान या राजस्व का दायित्व। तो कहने का मतलब है जो भूमि समर्पित की जाती है उसमें जो लागान का दायित्व तो है, यदि 1 अप्रैल के पहले समर्पण की नोटिस दे दी जाती है तो जो अनुगामी वर्ष का लागान या भू राजस्व है उसका देनदार वो नहीं होगा। यदि 1 अप्रैल के बाद समर्पण का आवेदन किया जाता है, समर्पण की नोटिस दी जाती है, तो अनुगामी वर्ष का जो लागान या भू राजस्व है उसका देनदार भूमिधर या आसामी बना रहेगा। तो साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 118, 119, 120 और 121 के संबंध में और उसके नियम को भी जाना।
तो साथियों, हमें पूरा विश्वास कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स जो नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा पुनः निवेदन है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।